हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से शूर्पणखा की एंट्री होती है सीन पर, और अब रामायण का जो पेस है वो बढ़ेगा। अब रामायण के सारे किरदार एक 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 करके रामायण में जुड़ने लगेंगे। पूरे रामायण में ये दो स्त्रियां हैं जो रामायण में ट्विस्ट लाती हैं। पहली है मंथरा, जो कि राम को वनवास जाने के लिए कारणीभूत होती हैं, और दूसरी है ये शूर्पणखा, जो रावण के साथ युद्ध करने के लिए और राक्षसों का सफाया करने के लिए कारणीभूत होती है। लेकिन ये दोनों ही प्रसंग ये सीमिंगली एक नॉर्मल व्यक्ति के जीवन से अच्छे प्रसंग नहीं माने जाएंगे। दोनों तरीकों में, दोनों स्त्रियों के आगमन में राम को क्षति उठानी पड़ती है, लेकिन प्रभु राम उस क्षति को सहन करते हैं और ये दर्शाते हैं कि किस प्रकार से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, everyone needs to go through tough times and very hard patches. उसके बिना जीवन सफल नहीं होता। There are no free lunches in this material world. So रामायण में ये दो ट्विस्ट हैं बहुत बड़े, एक मंथरा का आगमन और एक शूर्पणखा का आगमन। शूर्पणखा ने जब राम को देखा, वो राम को देख करके पूरी तरह से काम वासना से धधक गई थी। She was only living in the passions of her hot lusty desires. जब राम को उन्होंने कहा कि अरे तुम चलो हम मजा करेंगे, और हमने देखा किस प्रकार से वो संभाषण हुआ, और इसी बीच में उस संभाषण के बीच में सीता बाहर आ गई, तो राम को देख करके सीता देख रही, अरे राम किससे बात कर रहे हैं। तब राम ने शूर्पणखा को देखते हुए कहा, ये देखो ये है मेरी धर्मपत्नी जानकी या सीता, मैं इसके साथ हूं। अगर तुम जैसी सुंदर स्त्री जो इतने सुयोग्य है उसको एक सौतन बनना पड़े, तो अब मैंने इससे तो शादी करी ली है, तो ज्येष्ठ तो यही हो गई, तो तुमको उसका कहा भी मानना पड़ेगा, मेरा कहा भी मानना पड़ेगा। सो आई डू नॉट थिंक तुम्हारे जैसी एक राजसी स्त्री को किसी के अधीन रहना पसंद होगा या एक सौतन लेके जीना अच्छा होगा। मैं तुम्हें एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन देता हूं, ये मेरा भाई है लक्ष्मण, उसके साथ जाओ। आज वो परिवार सुख के सारे प्रलोभनों से दूर है। एक दाम्पत्य जीवन का सुख क्या होता है ये इसे 13 साल से पता ही नहीं है। तुम अगर इससे शादी करोगी तो तुम सही में सुखचैन की नींद जियोगी, तुम्हें कोई सौतन भी नहीं मिलेगी, है कि नहीं मुझसे अच्छा प्रपोजल। यहां पे सौतन लाने से और अधीन होने से क्या फायदा, इट डजंट बेनिफिट यू। पहले तो शूर्पणखा ये सब सुन के थोड़ी हताश हुई, फिर उन्होंने देखा जिस डायरेक्शन में राम की एकदम डेलिकेट फिंगर्स पॉइंट कर रही थी, उन्होंने उनकी नजर पड़ी लक्ष्मण पर। लक्ष्मण को देख करके फिर से काम अग्नि उनके हृदय में धधक उठी। अरे वो सोचने लगे, ही इज नॉट लेस, ही इज एज ब्यूटिफुल, एज यूथफुल, एज स्प्लेंडेडली लाइक काम पर्सोनिफाइड। तो तुरंत राम के प्रति अपनी सारी सो कॉल्ड लव को भूल करके ऐसे हाव भाव करते हुए लक्ष्मण के सामने खड़ी हो गई। हे सुपरमैन, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं, मुझसे अच्छी पत्नी तुम्हें कहां मिलेगी, तुम मुझसे शादी कर लो, इस एकांत में हम अच्छे से घूमेंगे, दाम्पत्य जीवन के सुखों का अनुभव करेंगे, पूरे दंडकारण्य में विचरण करेंगे, और तुम्हारी जो इच्छा है मैं पूरी करूंगी। मैं यहां की रानी हूं, मुझे यहां पे मेरे भाई रावण ने स्थापित किया है, मैं अब एक राजा की तलाश में हूं, तुमसे अच्छा राजा मुझे कहां मिलेगा। लक्ष्मण तुरंत ये सब सुन करके हक्के बक्के रह गए। ही डिडंट एक्सपेक्ट अ मैरिज एंड अ लव प्रपोजल विदाउट अ रेड रोज इन दंडकारण्य, एंड दैट टू इट वाज नॉट 14th of February। सो लक्ष्मण देखने लगे, लक्ष्मण चक हो गए कि अरे ये क्या चल रहा है। उन्होंने राम को देखा, राम की आंखों में एक बालिश मुश्किल हास्य था, जैसे ही वॉज प्लेइंग विथ हर। लक्ष्मण तुरंत, हमने देखा पिछली बार कैसे लक्ष्मण भावज्ञ है, राम के भाव को जानते हैं। लक्ष्मण राम के भाव को
तुरंत ही समझ गए, बोले हे त्रिभुवन मोहिनी, तुम अगर मेरे साथ आओगी तो अल्टीमेटली तुम एक सेवक से ही शादी करोगी। मैंने तो अपने जीवन में मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम की सेवा का व्रत लिया है, तो अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो सेविका ही कहलाओगी, मेरे साथ कितने भी अच्छे रहो तुम रानी कभी नहीं कहलाओगी। तो क्या तुम्हें रानी कहलवाना पसंद नहीं? क्या तुम्हें सेविका बन के रहना अच्छा लगता है? मैं तो क्लियर हूं, मुझे सेवक बन के रहना है। अगर तुम्हें मेरी सेविका बनने की इच्छा है तो फिर बोलो, लेकिन तुम्हारे जैसे सुंदर युवती को जिसके सामने त्रिभुवन सारे फीके पड़ जाए, उसके लिए इस प्रकार से एक सेवक की पत्नी रहकर बन करके रहना, ये मुझे नहीं लगता उचित है। उससे तो अच्छा तुम जाकर के एक सौतन बन जाओ, क्या प्रॉब्लम है? मैं निश्चित रूप से कहता हूं, तुम इतनी सुंदर हो, सुकोमल हो, तुम्हारे आंखों में, तुम्हारे सुंदर वक्षस्थल में और नितंबों में इतनी ज्यादा कामुकता है, तुम्हारे साथ रह करके राम इस पतली सी सुकड़ी सी स्त्री को निश्चित रूप से बहुत जल्दी भूल जाएंगे। शूर्पणखा फिर से उत्तेजित हो गई, वो फिर राम के पास आई। इस बीच तक राम कुटी के अंदर सीता के साथ बैठ चुके थे। सीता के साथ में बैठे हुए राम को देख करके शूर्पणखा की क्रोध अग्नि धधक उठी। बोले ये स्त्री सारे फसाद की जड़ है, तुम मुझे अपने आप अपने दोनों में यहां वहां करवा रहे हो केवल स्त्री के कारण। अब मैं देखूंगी किस प्रकार से ये स्त्री नहीं रहती। इतने सारे ऋषि मुनियों का, इतने मनुष्यों का, इतने दैत्यों का संहार करके ये स्त्री क्या मेरा बिगाड़ लेगी? अभी मैं उसे मारती हूं और अपना निवाला बनाती हूं। ऐसा कहकर शूर्पणखा सीता की ओर दौड़ गई। तब राम को पता चला कि यह माजरा ये बहुत ज्यादा ही ऊपर उठ गया। राम तुरंत खड़े हुए और क्रोध से शूर्पणखा देखा को देखा और तुरंत हुंकार किया। वो हुंकार की गर्जना ही इतनी महाभयानक थी, शूर्पणखा वॉज ट्रेस्ड बैक अ फ्यू हंड्रेड यार्ड्स। शूर्पणखा जहां पर थी वहां से थोड़ा पीछे घिसट गई उस हुंकार के कारण, और अब वो समझ गई थी पूरी तरह से कि क्या हो रहा है। शी वॉज येलिंग एंड कमिंग टूवर्ड्स सीता, एंड सीता वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ राम। शूर्पणखा को लग रहा था राम को बाजू करूंगी, इसको मार दूंगी, इन दोनों को भी मार दूंगी। तभी राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण वी हैव हैड इनफ, मैंने अपने जीवन में ये भूल की कि गलत व्यक्तियों को सम्मान या थोड़ा सा सांत्वन देने से वो अच्छे नहीं हो जाते, वो गलत ही रहते हैं, अब तुम इसका निवारण करो। लक्ष्मण तुरंत समझ गए, वो एक जंप में शूर्पणखा के पास आए और शूर्पणखा के बालों को पकड़ करके नीचे घसीटा, ठट। घसीटने के बाद में तुरंत अपने कमर से एक तीखी कटार निकाली और शूर्पणखा की नाक काट दी। नाक काटने के बाद शूर्पणखा बहुत ही बेहाल, बहुत ज्यादा तीव्र वेदना से, पहली बार कोई राक्षस इतने जोर से चिल्लाया था। तब तक राक्षसों के कारण दूसरे लोग चिल्लाते आ रहे थे, खास करके साधु ऋषि संत, लेकिन अब पहली बार दशकों शतकों में कोई राक्षस चिल्लाया था और वो आवाज इतनी भयंकर थी कि रामायण वर्णन करता है, इंस्टेंटली मेनी एलिफेंट्स पास्ट स्टूल, मेनी लायंस एंड टाइगर्स वॉमिटेड, मेनी बर्ड्स गॉट हार्ट अटैक एंड दे लेफ्ट देयर बॉडी, और शूर्पणखा की नाकों से पूरे रक्त की धारा बह रही है, वो उसके पूरे दांत नाक से बह करके, दांत से बह करके वक्षस्थल पर आ रही है। शूर्पणखा ने उड़ना चाहा, लक्ष्मण ने उन्हें पकड़ कर कहा था, तो शूर्पणखा ने सोचा अरे मैं उड़ जाऊंगी, लक्ष्मण को भी साथ लेकर के जाऊंगी। लक्ष्मण ने भांप लिया ये इशारा और फिर से एक बार शूर्पणखा को जमीन पर पटका और दो स्लैशेस, दोनों कान भी काट दिए। अब शूर्पणखा पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी, लक्ष्मण ने छोड़ दिया,
शूर्पणखा इतनी तीव्र वेदना में थोड़े कदम पीछे जाकर के गिर गई एंड दोनों हाथ पैर जैसे छोटे बच्चे रोते हैं ना जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है लेकिन वो कुछ कर, वैसे शूर्पणखा चिल्लाने लगी, अपने हाथ पैर पटकने लगी, सर जमीन पर मारने लगी। इतना सारा ब्लड लॉस होने की वजह से उनकी थोड़ी मति भी कम हो गई थी। वो उठ करके राम और लक्ष्मण की ओर दौड़ना चाहती थी उनको मारने के लिए, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। किसी तरीके से चीखते चिल्लाते हुए वो उठ खड़ी हुई और देखा कि अब इनसे लड़ने के लिए मेरे पास न शक्ति है न सामर्थ्य है। उसने अपनी पीठ इन दोनों को दिखाई, औंधे मुँह गई और जंगल में चीखते चिल्लाते हुए भाग गई। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण नाउ बी रेडी फॉर एक्शन, टाइम हैज कम टू फुल्ली वाइप आउट राक्षसास फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की।